गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। यही कह सकता हूँ सद्बुद्धि आई, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। राज्यसभा स्पीकर पद की गरिमा को ताक पर रखकर स्पष्ट रूप से मोदी सरकार की वाहवाही और एक पक्षीय मंशा के साथ जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के लगभग 100 से ज़्यादा सांसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि निलंबन का विरोध करते हुए विपक्षी सांसदों ने स्पीकर जगदीप धनखड़ के पक्षपाती रवैये पर सवाल उठाते हुए उनकी ट्रोलिंग की है, मिमिक्री की है, जो जगदीप धनखड़ को दिल से बुरा लग गया। सदन में पहुंचते ही धनखड़ ट्रोलिंग पर शिकायत करते हुए कहते हैं, कम से कम मुझे तो छोड़ देते मेरे पद को ध्यान में रखते हुए। हालांकि स्पीकर जगदीप धनखड़ को सांसद जया प्रदा ने एकदम सटीक जवाब दिया है। उन्होंने जगदीप धनखड़ के पक्षपाती रवैये पर सवाल उठाने के साथ साथ धनखड़ से कहा है, आप कुर्सी पर बैठकर अपना दुखड़ा सुनाने के लिए बैठे हैं या फिर 141 निलंबित सांसदों का दुख सुनने के लिए? आप कुर्सी पर बैठकर भी रो रहे हैं, दुखी हैं। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या? हमारे अपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, जया प्रदा के इस बयान के साथ और भी कई लोगों ने जगदीप धनखड़ के अपने ट्रोलिंग पर व्यक्त किए गए इस दर्द पर सवाल पूछा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपने ट्रोलिंग पर सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू किया था। स्पीकर पद पर बैठते हुए उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना निशाना बनाया। आपको बता दें, निलंबित टीएमसी सांसद ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हुए प्रदर्शन कर रहे निलंबित सांसदों को एंटरटेन किया था, जिसका राहुल गांधी ने भी सामने खड़े होकर वीडियो बनाया था। अ सीनियर लीडर ऑफ योर पार्टी वीडियोग्राफिंग अनदर मेंबर ऑफ अनदर पार्टी, मिमिक्री ऑफ द चेयरमैन, मिमिक्री ऑफ स्पीकर, हाउ रिडिकुलस, हाउ शेमफुल, हाउ अनएक्सेप्टेबल। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा, अध्यक्ष महोदय, अब आपको बोध हुआ कि जिस कुर्सी पर आप विराजे हैं वो कुर्सी निष्पक्ष है। जब सदन के बाहर आपकी मिमिक्री होने लगी तब आपको बोध हुआ कि अध्यक्ष की कुर्सी निष्पक्ष होती है। जब दो दिन से गाजर मूली की तरह विपक्ष के सांसद आप सस्पेंड कर रहे थे तब निष्पक्षता का बोध आपका कहाँ घुस गया था? बुरा मत मानिएगा, संविधान की भावना, मर्यादा और परंपराओं से आप भी बहुत नीचे उतर चुके हैं। आप बंगाल के राज्यपाल थे तब भी आपका आचरण ऐसा ही था जो आज है। कुछ साल बाद जब कभी भी रीढ़ और स्वाभिमान वाले अध्यक्षों का मूल्यांकन होगा, आप उस गिनती में शायद नहीं होंगे या सबसे नीचे होंगे। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।